हेलो गाइस, और आज है 20 सितंबर और आज मेरा बर्थडे है। हम लोग मिडनाइट 12 बजे केक कट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली शूट करना भूल गई सेलिब्रेशन में, तो सोचा एक छोटा सा क्लिप निकाल लूँ, पूरा वीडियो। खाने और के कल बाद का मैं कल क्या क्या करूँगी, पूरा कैसे खाओ। करूँगी, या फिर डिनर पार्टी और सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एक पूरे बर्थडे ब्लॉग में। हैप्पी बर्थडे माय जान। थैंक यू। और फिर मॉर्निंग में आई रुचि। ओ शिट, तो पूरी गीली हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भी मेरे जैसा है तुगलक। थैंक यू थैंक। ये लेकर आई है मेरे लिए रुचि केक। ये मैं हूँ जिसके सर पे पड़ रही है, और ये है जो मुझे मार रही है, और ये पूरी गीली हो गई। ये जो केक लाई थी वो इतना टेस्टी था, सोचा था मैं उसको आइसक्रीम के साथ खाऊंगी, पर बैठे बैठे मैं पूरा खा गई। बाकी अभी थोड़ा सा बचा है, वो भी जिया दीदी की डंडी में गिरा से छोड़ा दिया। है कि उनको खाना ही है। रात वाला केक भी बहुत टेस्टी था, वो वाला जिया दीदी ने खाया, लेकिन ये वाला मैं खा गई, बहुत टेस्टी था। बेचारी बहुत मेहनत करके लाई है। थैंक यू रुचि। और ये हो गई हूँ मैं रेडी अपने बर्थडे पार्टी के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को पार्टी करते हैं, बट इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन रात की वजह से हम उसका प्रॉपर मतलब लाइक मज़ा नहीं उठा पाते हैं। तो सोचा है कि इस बार जल्दी जाएंगे तो बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। हर बार मेरे फैमिली में जितने भी बर्थडे होते हैं, हम सबके लिए नाइट में ही जाते हैं, तो फिर बस जाओ खाना खा के आ जाओ। इस बार हम पूरा एंजॉय करेंगे व्यू भी और प्रॉपर्टी भी। तो सोचा चलो रेडी होते हैं, और आज मेरा बर्थडे है, 20 सितंबर है, तो बस मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ आगे। और मैंने फ़ोटोशूट भी कराया, बहुत प्यारा प्यारा। एक्चुअली वैसे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मुझे तो कल तक नहीं लग रहा था कि मेरा बर्थडे, ओह शिट, कल ही है। पर वो समटाइम्स होती है ना चीज़ें, पता ही नहीं चलती है, फोकस ही नहीं जाता है। 20 सितंबर है कल और मेरा बर्थडे है, तो सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है बर्थडे तो, लेकिन आज है। और अब रेडी होने के बाद तो प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है। और ऑफ कोर्स आते हैं यार, सबको आती है, मुझे भी आ रही है। एक दिन तो ऐसा लगता है कि लाइक शायद रुचि मुझे बुला रही है। और ये निकल लिए फिर हम, और ये आ गए हम खम्मागढ़ी। ये देखो जिया दीदी कितना इतरा रही है। हमेशा ऐसा होता है कि मेरे बर्थडे पे मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो यही होती हैं। ये बन गया नया। क्या बात कर रहे हो? लग गया था जो तुम मेरे पीछे पड़ रही थी ना। और मुझे खम्मागढ़ी का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। रात को तो कैंडल लाइट जलती है तो और सुंदर लगता है, पर यहाँ पर भीड़ इतनी क्यों होती है ये समझ नहीं आता। ये मेरे इतने पीछे पड़े होते हैं, मैं और उनसे थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए, और मैं समझ तो गई थी कुछ सरप्राइज है। कैसे आओगे अब मतलब? यार इतनी सबकी जरूरत नहीं थी। थैंक यू। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम ना मेरी आंखों में हैप्पीनेस वाले आंसू थे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। एक तो खूबसूरत व्यू भी था और साथ में डेकोरेशन थी। हर बार मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, बट ये सबसे हटके था। हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत प्यारा था, और थैंक यू सो मच, मेरी फैमिली ने इतना प्यारा सरप्राइज दिया मुझे। इट्स माय 26। ये देखिए ये नाइट में भी कितना सुंदर लग रहा है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज्योता, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों में
रिश्ता जी। थैंक यू, आई लव यू ऑल। डर भी देखा जिया, जिया के ऊपर डालो जिया। वीडियो तो तेरी बना रही हूँ, जिया के ऊपर क्या आएगा? भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मुझे खाने के बाद ना नागिन की तरह से मेरा तो मैं वैसे पड़ी हुई हूँ यहाँ पे। ये देखो फुल फायदा उठाया जा रहा है। बस अब हो गई हमारी पार्टी, बहुत भर भर के खाना खाया है। मैंने तो केक बहुत ज़्यादा खाया है, कल से 5 केक कट गए हैं, तो मैंने इतना केक खा लिया है कि मेरे अब केक यहाँ आ रहा है। तो अब मैं आई हूँ सोडा पीने अपनी फिजी फिश शॉप पे, यहाँ का सोडा और नींबू पानी पीती हूँ मैं। बस यही बाकी रह गया था। हमारी डांस मस्ती यूं ही चलती रही। अब मेरा बर्थडे ब्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।